हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि हेयर स्पा घर पे कैसे किया जाता है। सीख सकते हैं इस वीडियो से हेयर स्पा घर पे, और बहुत ही इजी तरीका है। बने रहिए वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हमें लेना है कोई भी हेयर मास्क या फिर कंडीशनर। अब जो भी कंडीशनर अपने बालों पे अप्लाई करते हो वो कंडीशनर ले लें, और एक प्लास्टिक की बाउल में अपने बालों के अनुसार आप निकाल लें। उसके साथ मिक्स करें ऑयल। ऑयल यहाँ पे मैंने बादाम का लिया है, आप चाहें तो कैस्ट्रोल ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। और उसके साथ ही हमें मिक्स करना है ग्लिसरीन। एक चम्मच ऑयल ले और एक चम्मच ग्लिसरीन। गाइस, ग्लिसरीन जो है हमारे बालों को फुल मॉइस्चराइज करेगा, साथ ही अगर आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ हैं तो उसको भी कम करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। और बादाम जो है रिच होता है प्रोटीन से, हमारे हेयर के लिए प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हम सब जानते हैं। तो और इसमें SPF 5, नेचुरल SPF 5 होता है बादाम के तेल में, जो हमारे बालों को सन रे से प्रोटेक्ट करता है नेचुरली। बादाम के तेल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो हमारे बालों को काफ़ी साइन और स्मूथ देता है, साथ ही हमारे बालों को काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आप बादाम का तेल ज़रूर यूज़ करें जब भी आप हेयर स्पा करें, काफ़ी अच्छा साबित होता है, आपके बालों को काफ़ी सुंदर साइनी स्मूथ बना देता है। और हेयर स्पा एक्चुअली हम इसीलिए करते हैं कि हमारे बाल जो है काफ़ी खूबसूरत दिखें। तो गाइस, बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लें, और उसके बाद से आप गीले बालों पे ही स्पा करना शुरू करें। आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े लेयर लिया है मैंने, और स्पा क्रीम को अच्छी तरीके से मिलाया है। जब भी आप क्रीम लगाएं ना गाइस, आप ब्रश से लगाएं या फिर उंगलियों से भी आप लगा सकते हैं, और उसके बाद इस तरह से मसाज ज़रूर दें। ये मसाज जो है एक एक बालों को साइन करता है, और स्कैल्प के अलावा आपको बालों का भी मसाज देना बहुत इम्पोर्टेंट है। हेयर मसाज के साथ साथ आपको अपने स्कैल्प का भी मसाज देना है। स्कैल्प का मसाज जो है गाइस 15 से 20 मिनट देना होता है, और उसके बाद आप स्टीम लें। लेकिन अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो ज़्यादा हेयर लॉस होने पे एम्प्यूल आता है मार्केट में, कॉस्मेटिक शॉप में आपको मिल जाएगा। वो एम्प्यूल अगर आप अपने स्पा क्रीम में मिक्स करते हैं तो उससे भी काफ़ी राहत पड़ती है, हेयर फॉल प्रॉब्लम जो है थोड़ा कम हो जाता है। एक्चुअली हेयर फॉल नहीं, हेयर लॉस। हेयर फॉल जहाँ से हो जाए गाइस, वहाँ से फिर से बाल नहीं आते हैं, हमारे जो बाल झड़ते हैं उसको हम हेयर लॉस ही बोलते हैं। यहाँ आप बालों का मसाज करने का तरीका ज़रूर देखें। छोटे छोटे सेक्शन में मैंने बाल लिए हैं और उसके बाद से मसाज किया है। यहाँ वीडियो थोड़ी स्पीड कर दी है मैंने ताकि पूरा आपको मसाज दिखा सकूं। तो इस तरह से बीच बीच में कॉम करते रहे ताकि जो भी स्पा क्रीम है अच्छी तरह से पूरे बालों में लग जाए। उसके बाद आपको हर लेयर पर कम से कम 10 से 15 बार इस तरह से मसाज देना है, और लास्ट में स्कैल्प मसाज देना है। तो चलिए देखते हैं कि हेड मसाज किस तरह से देना है स्पा करते समय। यहाँ स्पा क्रीम जो है पूरे बालों में अच्छी तरह से लग चुका है। अब मैं स्कैल्प का मसाज दे रही हूँ, और हल्के हाथों से फिंगर टिप से मसाज देना है। यहाँ पे कुछ तरीके मैंने दिखाए हैं, आप ध्यान से देखिएगा, और आप इस तरह से अपना हेड मसाज ले सकते हैं। गाइस, मसाज लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेंगे स्टीम, और ये स्टीमर हमारा गर्म हो चुका है, और यहाँ हम लेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट का स्टीम। और ये स्टीम लेने के बाद हम हेड वॉश करेंगे। हेड वॉश कैसे करना है वो भी देखें, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, वीडियो में बने रहिए अगर आपको इस बात सीखना है तो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीम हो गया कंप्लीट। अब बालों को मैं थोड़ा ठंडा करूँगी। गरम गरम जब बाल होते हैं ना स्टीम लेने के बाद, तुरंत हमें वॉश नहीं करना चाहिए, बालों को थोड़ा ठंडा करके फिर वॉश करें।
हेयर वॉश करते समय किसी भी शैम्पू या कंडीशनर का यूज़ नहीं करना है। ये लास्ट वॉश होता है तो नॉर्मल वाटर से ही वॉश करें और उसके बाद से ब्लो ड्रायर लगा लें। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। ब्लो ड्रायर करने का गाइस कुछ हमारा बुरा इफ़ेक्ट भी आता है, तो जब भी आप ब्लो ड्रायर करते हैं तो उसे हीट पे ना करें, एयर कूल लेयर पे करें जिससे ठंडी हवा निकले, बहुत ज़्यादा गर्म हवा पे ना करें, उससे भी हेयर फॉल होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सीरम लिया है, स्ट्रिक्स का सीरम है बालों पर, ये थोड़ा सा मैं अप्लाई कर दूँगी। गाइस जब भी आप सीरम अपने बालों पर लगाते हैं तो ध्यान रखें कि टॉवल ड्राई बालों पर ही सीरम लगाएँ, बिल्कुल बालों को सूखने ना दें। तो क्या आपने इस वीडियो से हेयर स्पा करना सीखा या फिर आपको पहले से ही हेयर स्पा आता था? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।